डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार सिंह और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स। आज देखेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 9। और हम उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। 9 वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम बताते हैं। चलिए 9 नंबर हम रीडिंग देते हैं। दिया है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5, फाइंड द अदर। यानी कि दिया है कि दो रैशनल नंबर का सम -2 है। इफ वन ऑफ द नंबर, यदि एक नंबर -14/5 है, तो फाइंड द अदर, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ऑल जो पूछा है उसको एक्स मानेंगे, तो लेट द अदर नंबर बी एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो है आपका वन नंबर, अदर नंबर एक्स हो गया। इस दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया, -2 मिलता है। दिया ही है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -2, यानी कि ये अदर रैशनल नंबर और ये वन रैशनल नंबर दिया है। तो इस दोनों को ऐड करने पर -2 मिलता है, हमने किया। फिर सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और प्लस इनटू ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था, मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इनटू माइनस माइनस, यानी कि एक्स -14/5 इज इक्वल टू -2। देन एक्स इज इक्वल टू -14/5 को राइट साइड में सेंड करेंगे, तो जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, तो 1 5 या 5 टाइम्स जाएगा, तो -2 × 5 हो जाएगा। फिर प्लस और 5 से 5 1 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 14 × 1। तो फाइनली आप लोगों को मिल जाएगा -2 × 5 -10 और प्लस 14 × 1 14। तो देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस 14 में से -10 सब्ट्रैक्ट होगा, तो फाइनली आ जाएगा 4/5। एक्स इज इक्वल टू 4/5, ये हो जाएगा फाइनली आप लोगों का आंसर। और इसी प्रकार से आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में दिया है, फाइंड द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, सॉरी द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 5/6, फाइंड द अदर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से सॉल्व होगा। ये आप लोगों का 10 नंबर दिया है। फर्स्ट जो पूछ रहा है उसको एक्स मानेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम -1/2 दिया है। फिर ये +5/6 है, उस साइड जाएगा तो -5/6 हो जाएगा। फिर दोनों का एलसीएम निकालेंगे और जैसे जैसे दिया है करेंगे तो फाइनली आ जाएगा -8/6। इसको आप चाहें तो कटा सकते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो फाइनली आ जाएगा x इज इक्वल टू -4/3। तो जो आपका अदर नंबर है वो -4/3 आएगा। और आंसर अगर खुद से चेक करना है तो आप लोग देख सकते हैं, जो x का वैल्यू यहाँ आया उसको x के जगह पर रख कर अब दोनों को ऐड करेंगे तो -1/2 ही आएगा।
11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। चलिए इसका एक आसान हम एग्जांपल देते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहता कि व्हाट नंबर शुड बी 8 to 4 टू फाइंड 10, यानी कि 4 में क्या ऐड करें कि 10 मिले, तो आप लोग क्या करते हैं? ये तो आसान है, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ 6 ऐड कर देंगे तो 10 मिल जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ 6। या इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, 10 - 4 10 - 4 = 6। इसी प्रकार यहाँ क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि -5/8 में क्या ऐड करें कि -3/2 मिल जाए। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि जिस प्रकार क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 4 में क्या ऐड करेगी 10 मिल जाए, तो 10 - 4 किए, उसी प्रकार से ये जो है -3/2 में से -5/8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो आइए देखते हैं क्या इसका सलूशन होगा। तो सबसे पहले वो जो नंबर दिया उसको मान लेंगे x, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x और -5/8 को जोड़ने पर -3/2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि -5/8 में क्या जोड़े कि -3/2 मिल जाए। तो मानते हैं कि हम x ऐड करेंगे, जब ऐसे किए फिर प्लस इंटू माइनस, -5/8 हो जाएगा, फिर ये -5/8 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर सिंपली करेंगे तो फाइनली आ जाएगा -7/8, ये हो जाएगा आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन है 12 नंबर, 12 भी वही है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट -5/7। सेम जो दिया है उसको x मानेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस -1 = 5/7, फिर करेंगे सिंपली उसी प्रकार से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों का एलसीएम ये हो जाएगा, फाइनली आंसर आएगा 12/7। ठीक, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर दिया है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये देता कि 10 में से क्या माइनस करें कि 4 मिल जाए, तो आप लोग कहिएगा कि 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 मिल जाएगा, या किसी को नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर सकता है कि 10 में से डायरेक्ट आप 4 को माइनस कर दीजिए तो क्या मिलेगा 6 आएगा आंसर। इसी प्रकार से करें कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6, तो नहीं पता है तो x मान लेंगे, लेट द नंबर बी x, हो जाएगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। मानते हैं कि वो नंबर x है जिसको घटाना है, तो -2/3 में से x को जब माइनस करेंगे तो -1/6 लाना है, तो सिंपली वहीं ये हो जाएगा, x को इस साइड भेजेंगे और -1/6 को इक्वल के इस साइड आएगा, तो -1/6 जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और -x जब इस साइड जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। फिर इसको अच्छे से लिख लेंगे, दैट मीन्स कि -2/3 +1/6 = x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x = -2/3 + 1/6। फिर इसको सिंपली एलसीएम लेकर करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा -1/2। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।